नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे चैनल एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक चौबे। आज हम कुछ नाम ऐसे बताने वाले हैं, मतलब अक्षर, जिनके विवाह का बहुत नज़दीक समय आ गया है। ऐसे हम 8 राशियों के अक्षर बताएंगे आपको, जिनका ये सुनना चाहा तो जल्द ही शादी का कहीं ना कहीं से बात चलेगी और आपका रिश्ता तय हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेष राशि, अगर अक्षर की हम बात करें या अच्छा अक्षर की बात करें तो 2022 में बहुत अच्छा आपका समय है। ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें गोचर के अनुसार, आप निश्चिंत रहिए। आप बहुत जगह परेशान हो चुके थे, आपकी फैमिली परेशान हो गई थी, आपने कई जगह रिश्ते देखे थे, बट छोटी छोटी बात को लेकर कुछ ना कुछ बात बिगड़ जाती थी, बात बन नहीं पाती थी। तो आप मेष राशि वाले निश्चिंत रहिए, अक्षर से हो, आपका अनिल नाम हो, अभिषेक नाम हो, आपका अनीता नाम हो, अंकिता नाम हो, या अभिलाषा आपका नाम हो, ऐसा आपका कोई भी नाम है तो आपके विवाह का बहुत अच्छा समय है, ठीक है। या फिर आपका चंचल नाम हो तो ये इन लोगों की भी बहुत जल्दी योग बनता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी राशि कौन सी है। दूसरी राशि अगर हम बात करें कन्या राशि है। पाक्षर वाले लोग निश्चिंत रहिए, आपके भी विवाह का बहुत अच्छा समय आ गया है। आपका नाम पाक्षर से पवन हो गया, या पूजा हो गया, प्रियंका हो गया, प्रियांश मतलब प्रिंस हो गया, ऐसे आपके अगर कोई नाम है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भी अब ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब आपका विवाह का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है, बशर्ते आपकी कुंडली में कोई दोष नहीं होना चाहिए। दोष की अगर हम बात करें, आपकी कुंडली में सप्तमेश आपकी पीड़ित हो, या फिर सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर आप मांगलिक हैं तो आपके विवाह में विलंब होता है। देखिएगा, रही बात मंगल दोष की, तो हम और भी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि 95% मंगल दोष नहीं होता है। लोगों को ज्ञात नहीं होता है, वो देख लेते हैं मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम या अष्टम या द्वादश भाव में बैठे हैं तो मांगलिक हैं, ऐसा नहीं होता है। मंगल दोष का कई प्रकार से प्रहार होता है। जैसे कि मान लीजिएगा मंगल के साथ मंगल अपनी उच्च की राशि में बैठ जाए या नीच की राशि में बैठ जाए, या मंगल पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो मंगल दोष का प्रहार होता है, कई प्रकार से प्रहार होता है। या शनि कुछ स्थान बताए गए हैं उन स्थान पे बैठ जाए तो भी मंगल दोष का प्रहार होता है। देखिएगा, इंसान अगर पूर्ण मांगलिक होना तो वो इंसान अलग ही दिखता है। 1000 लोगों में भी हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति मांगलिक है, लेकिन पूर्ण मांगलिक होना चाहिए। तो आजकल क्या होता है ना, लोग आंशिक मांगलिक को भी पूर्ण बता देते हैं, ये गलत है। आप लोग कंप्यूटर पे देखते हैं या फिर मोबाइल पे देखते हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसमें क्या है, लिख के आ जाता है मंगल दोष है। भैया मंगल तो सॉफ्टवेयर है, वो उसमें तो जैसा लिखा होगा ना वो वैसा ही बताएगा, बशर्ते किसी विद्वान ब्राह्मण से आप इसकी जानकारी करवाया करें, तभी किसी के लड़का या लड़की को रिजेक्ट किया करें, है ना। ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि मांगलिक है आपकी लड़की या लड़का, अब विवाह कैंसिल कर देते हो, ये बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि की। देखो, अगर आप सटीक जानकारी चाहो, विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कैसे इंसान से होगा, मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी, साथ ही संतान का सुख आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। देखो, कई लोग होते हैं ना 30 या फिर 40 प्लस हो जाते हैं, तो उन लोगों के मन में एक संशय चलने लग जाता है कि शायद शादी तो हो जाए, जैसे कर लेंगे हम, जैसे तैसे मतलब हो जाएगी, बशर्ते संतान को लेकर बाद में समस्या हो। संतान को लेकर हम कई बार बता चुके हैं, समस्या उन लोगों को होती है जिनकी कुंडली में 6, 8 और 12 भाव में पंचमेश आपके बैठे हों, मतलब सप्तम भाव के जो स्वामी वो बैठे हों, तब संतान को लेकर परेशानी आती हो, बशर्ते आप उसका उपाय कर लीजिए अगर ऐसी स्थिति है तो। ऐसा नहीं होता है कि ना ही हो संतान, ऐसा बहुत कम होता है। उन लोगों को बोला जा सकता है इनके इस भाव में पंचमेश बैठे हों, ठीक है, तो आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। हम दो राशियाँ बता चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि। देखिएगा तीसरी राशि की अगर हम बात करें, देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि है, मीन राशि है। दाक्षर से आपका अगर नाम है, जैसे दीपेंद्र हो गया या दीपू हो गया, दीक्षा हो गया, दीपसका हो गया, तो इन लोगों के भी विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके विवाह का बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव प्रायः सभी को पता है कि विवाह का स्थान होता है ना, दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख आपकी लाइफ में मिलेगा या नहीं मिलेगा तो उसका होता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा योग है। अब हम बात कर लेते हैं वह चौथी राशि कौन सी है। पुनः कहेंगे, ये जानकारी हम मून साइन के अनुसार दे रहे हैं, सटीक जानकारी के लिए आप हमसे
पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, लेकिन उसका कुंडली का चार्ज लगता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथी राशि कौन सी है, ओवा वृषभ राशि। वृषभ राशि का भी बहुत अच्छा योग है। जैसे कि मान लीजिएगा आपका ब्रजेश नाम है या विनीता नाम है आपका, तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा विवाह का योग बन रहा है। ईश्वर ने चाहा तो आपका कहीं से रिश्ता आएगा और आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। ठीक है, चार राशियाँ हो गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं पाँचवीं राशि कौन सी है। आप सभी को पता है तुला राशि। तुला राशि वाले देखिएगा, पहली बात आपका विवाह का कई लोग हैं जो कि लायक व्यक्ति हैं, कामयाब व्यक्ति हैं, वो मजबूरी में अपनी शादी करेंगे और उनका कई लोगों का रिश्ता तय भी हो गया है और जो लोग बचे हैं उनका भी रिश्ता तय होगा। आपका राक्षस से नाम है, रोहित हो, राहुल हो या फिर रीना हो, तो ऐसे लोगों के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ठीक है, तुला राशि वालों के लिए पाँच राशियाँ हम बता चुके हैं। हम बात कर लेते हैं भाई छठवीं राशि कौन सी है। मीन राशि का हम बता चुके हैं, अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि। छठवीं राशि है ना कुंभ राशि। कुंभ राशि में जैसे कि हम बात करें सुनील किसी का नाम हो, ठीक है, या फिर सुनीता नाम हो, ऐसे लोगों के भी विवाह के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और आपको थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। अब क्यों प्रयास करने की आवश्यकता है वो भी आप सुन लीजिएगा, क्योंकि आपकी वैसे तो कुंभ राशि पर शनि की साढ़े सात ही स्टार्ट होने वाली है। अभी शनि अपनी ही राशि में मतलब कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, बशर्ते 12 तारीख से ये राशि परिवर्तन करेंगे, बकरी होके मकर राशि में आ जाएंगे। तो साढ़े सात ही जरूर चल रही है, बट विवाह का भी ये आपका योग बना रहे हैं। ये छः राशियाँ हो गई हैं, तो छः राशि वाले निश्चिंत रहिए, आपके विवाह का बहुत अच्छा योग है। सातवीं राशि की अगर हम बात करें, सातवीं राशि है माँ अक्षर से। माँ अक्षर अगर आपका है तो सिंह राशि है आपकी, जैसे कि मोहन हो गया या मोहिनी हो गया या मोहित हो गया, ऐसे लोगों का भी विवाह का बहुत अच्छा योग है। ईश्वर ने चाहा तो आपका भी विवाह कहीं ना कहीं संपन्न मतलब तय हो जाएगा। देखिएगा हम उन भाई बहनों से वहाँ रिक्वेस्ट करेंगे जिनका कहीं रिश्ता हो गया था और छोटी बात को लेकर या कोई बात हुई जिसके चलते लड़का वालों ने या लड़की वालों ने छोड़ दिया है, तो आप परेशान मत होइए, ईश्वर ने आपको खाई में जाने से बचा लिया है। आप खाई में उतर रहे थे, देखिएगा आप कहीं उतरेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं दलदल में आप फंस जाओगे ना तब आपको बुरा लगता है। तो आप खाई में उतरने वाले थे, इतने में किसी ने आपकी बागडोर खींच ली है, बचा लिया है आपको भगवान ने, नहीं तो आप खाई में चले जाते। खाई में जाते तो पता क्या होता, दलदल में कभी शायद आप फंसे नहीं होंगे, मैं फंसाऊँगी दलदल में, उसमें आप जितनी बाहर निकलने की कोशिश करोगे ना उतनी फंसते जाओगे दलदल में। ठीक है, दलदल कैसी जगह पर होता है सुन लीजिए आप, जैसे कि कोई नदी वगैरह हो या फिर कोई तालाब वगैरह हो, ऊपर से तो अच्छा लगेगा, उस पर कोई दिक्कत नहीं लगेगी, लेकिन आपके पैर जब अंदर चले जाएंगे ना तो आप उसी में घुसते चले जाओगे। ठीक है ना, तो दलदल वो स्थिति होती है, तो आपको ईश्वर ने दलदल में जाने से बचा लिया है। ठीक है, ये ईश्वर की बड़ी कृपा है आप पे, तो आप इस चीज़ को लेकर दुखी मत होना। ठीक है, आज हमने जो आपको जानकारी दी है ये मून साइन के अनुसार दी है। सटीक जानकारी के लिए आप हमसे पर्सनल संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं। चलिएगा आज के लिए बस इतना ही, मैं कल पुनः मिलूँगा नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपने फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।